दोस्तों, ये पतरातु वैली का आखिरी पार्ट है। इस वीडियो में हमने पतरातु वैली, पतरातु लेक रिसोर्ट, पलानी वाटरफॉल, राजरप्पा मंदिर और हुंद्रू फॉल्स के बारे में दिखाया है। तो अब हम चंदील डैम के बाद पतरातु वैली की ओर बढ़ रहे हैं। पतरातु वैली चंदील डैम से 125 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, चंदील डैम के मनमोहक दृश्य के बाद हमने ढाबा में लंच किया और फिर बढ़ चले अपने सफर में। लगभग 2 बजे तक हम पतरातु पहुंच गए और हम पतरातु के दृश्य में खो गए। पतरातु एक आकर्षक घाटी शहर है जो अपने पतरातु डैम के लिए स्थानीय लोगों के बीच लोकप्रिय है। पतरातु रांची से 35 किलोमीटर दूर है। पतरातु वैली का ये घुमावदार रास्ता बहुत ही ज़्यादा मनमोहक है। दोस्तों, पतरातु वैली के बाद हम रिसॉर्ट में चले गए। इस रिसॉर्ट का एक्सपीरियंस बहुत ही बुरा था। सर्विस की अगर बात करूं तो 2 out of 5 देना पसंद करूंगा। ये सरोवर विहार पतरातु लेक रिसॉर्ट का ही एक यूनिट है। मैं कभी भी इस रिसॉर्ट को रिकमेंड नहीं करूंगा। उसके बाद हम फ्रेश होकर शाम को लगभग 5 बजे पलानी वाटरफॉल्स के लिए निकल गए। पलानी वाटरफॉल पतरातु लेक रिसॉर्ट से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है।
सफर कैसा है ये सफर, मंजिलों की न है कोई खबर, सफर कैसा है ये सफर, मंजिलों की न है कोई खबर। रास्तों से मेरी गहरी यारी हो गई, जो फर्ज से भरा था बस था वो भी खाली हो गया। बुरा है जमाना तू चल टकर न कर अगर मगर, कैसा है ये सफर, मॉर्निंग मौसम बहुत खराब हो गया तो हम अपने आखिरी दो डेस्टिनेशंस की ओर निकल पड़े, पहला राजरप्पा मंदिर और दूसरा हुंद्रू फॉल्स। पहले हम राजरप्पा मंदिर पहुंचे, लेकिन वहां भक्तों की बहुत लंबी भीड़ थी तो हमने बाहर से ही मंदिर के दर्शन कर लिए और हुंद्रू फॉल्स के लिए निकल पड़े। हमने डिसाइड किया हम सिकिद्री घाटी होकर जाएंगे, वो भी पतरातु की तरह एक घुमावदार सड़क का सुंदर सा वैली था और हमारे सफ़र का आखिरी टूरिस्ट स्पॉट हुंद्रू फॉल्स पहुँच गए।
दोस्तों यही है हुंदरू फॉल्स। हुंदरू फॉल्स के लिए पार्किंग चार्जेस और एंट्री फीस लगती है। यहाँ पे काफ़ी सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है, जैसे जिप लाइन, ट्रैकिंग और भी बहुत सारी। बस हम जब आए थे तो काफ़ी बारिश हो रही थी, इसकी वजह से हमने ज़्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ नहीं किए। तो आप इंजॉय कीजिए हुंदरू फॉल्स। हाँ दोस्तों, यही था हमारा सफ़र पतरातू वैली का। अब हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।